मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। पाक में हत्या से पहले हुआ था हिंदू मेडिकल छात्रा का रेप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पाकिस्तान के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज के हॉस्टल में मृत पाई गई हिंदू मेडिकल छात्रा नम्रता चांदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप होने की बात सामने आई है। बतौर रिपोर्ट नम्रता की मौत दम घुटने के कारण हुई। दरअसल जब सितंबर में नम्रता का शव मिला था तब उसकी गर्दन के आसपास रस्सी बंधी हुई थी। बुधवार को छात्रा की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जारी की। इसमें पता चला कि छात्रा का हत्या से पहले यौन उत्पीड़न हुआ था। डीएनए परीक्षण में छात्रा के कपड़े पर पुरुष का डीएनए मिलने की भी पुष्टि हुई थी। जब वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुआ उस वक्त ही सजारी अदालत में ही थे उन्नाव रेप पीड़ित के आरोपी सेंगर। झड़प के समय सेंगर के अलावा तीस हजारी अदालत में लगभग 140 कैदी बंद थे। एक वकील ने बताया कि सेंगर को शनिवार की सुबह तिहाड़ जेल से यहां लाया गया था और सुनवाई के लिए सुबह 10:30 बजे अदालत के सक्षम पेश किया गया। पिछले सप्ताह दिल्ली में जब वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई उस समय उन्नाव बलात्कार कांड के एक आरोपी और निष्कासित बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 30,000 अदालत में बंद थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया के जरिए युवती को फंसाकर दलित ने किया युवती से बलात्कार। शिकायत करने पर युवती के पति को जान से मारने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। दलित नेता गजराज जाटव पर मामला दर्ज, ठाटीपुर थाने में हुई FIR। भीड़ की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव का और जाटव समाज का नेता है गजराज जाटव। लगातार विवादों में रहने वाले गजराज जाटव पर पिछले वर्ष 2 अप्रैल को हिंसा भड़काने में 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। ठाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लुरपुर इलाके में रहने वाली युवती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।